हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मौसम जलवायु में अगली महत्वपूर्ण कड़ी वायु दबाव और पवने आपसे डिस्कस करते हैं। मौसम और जलवायु की तीन महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तापमान हम पढ़ चुके हैं, दूसरी है वायु दबाव और पवने, तीसरी है आर्द्रता और वर्षा। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तीनों के बीच में अंतर संबंध है। हम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन विस्तार से समझने के लिए, विस्तार से जानने के लिए, जैसे पहले हमने तापमान को समझा है, आज हम वायु दबाव के बारे में और फिर अगले चैप्टर में पवनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वायुमंडल ने इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये वायुमंडल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। ये हम पढ़ चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल व गैस। वायुमंडल गैसीय रूप में, हम सब ये बातें कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ वायु दबाव के बारे में, अब ये गैस रूप में है इसलिए हमें इसका एकदम से भार या एकदम से दबाव हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन जब कभी तेज पवन चलती है, तेज आंधी चलती है, चक्रवात आता है, तब हमें इस वायु के दबाव का असर महसूस होता है। या जब भी कभी हम सड़क किनारे खड़े हों और कोई तेजी से वाहन आपके पास से निकल जाता है तो आपके ऊपर पवन का दबाव लगता है, वहाँ आपको लगता है कि हवा है, वायु है और उसमें दबाव भी है। इसको समझना क्यों जरूरी है? इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इस पृथ्वी के ऊपर पवनों के चलने का कारण वायु दबाव का अंतर है। पवने इसलिए चलती है कि वायु दबाव में अंतर होता है, और इसके साथ साथ चक्रवात, तूफान, टाइफून या अच्छे मौसम को अगर हम जानना समझना चाहते हैं तो हमें वायु दबाव को समझना होता है, वायु दबाव को जानना होता है। तो क्या है ये वायु दबाव? इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय स्तंभ का दबाव, वायुमंडलीय स्तंभ का वजन वायु दबाव कहलाता है। इसे हम प्रति क्षेत्रफल की इकाई के हिसाब से नापते हैं, यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति इंच स्क्वायर या प्रति फिट स्क्वायर, इसके हिसाब से हम इसको नापते हैं, क्योंकि ये फोर्स, वायु का वजन कितने क्षेत्रफल पर कितना वजन डाल रहा है, जब हम इसको नापते हैं तब हम कहते हैं कि ये वायु का दबाव है। फोर्स इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से हम इस वायु दबाव को नापते हैं। और ये वायु दबाव हम नापते कैसे हैं? इस वायु दबाव को नापने के लिए हमारे पास 14 बैरोमीटर, एनिरोइड बैरोमीटर, बैरोग्राफ, डिजिटल बैरोमीटर के हिसाब से हम इनको नापते हैं। और इसको नापने की एक बहुत ही अलग शैली, पहली बार इसको किस तरह से नापा गया, तो टॉर्सिलियन महोदय एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके पास एक टेस्ट ट्यूब और एक टब के अंदर पारा भरा हुआ था। वे इस परख नली को, इस टेस्ट ट्यूब को पारे से भरते और इसको इस टब के ऊपर उल्टा कर देते। वे एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे थे, सैकड़ों बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये टेस्ट ट्यूब खाली नहीं होती, लेकिन एक स्तर पर जाकर ये रुक जाती। ये पहली बार ऐसा था जब वायु दबाव को नापने के लिए हमारे इस पारे का उपयोग किया गया। ये जो ग्रीन मार्क्स आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वायु दबाव इस पारे के ऊपर, टब के पारे के ऊपर दबाव डाल रहा है और उसी से इस परख नली के अंदर ये पारा संतुलित हो रहा है। इस ऊंचाई को ये कहा गया कि ये वायु का दबाव है, एयर प्रेशर है, जिसको
अगर हम औसत कहें 45 डिग्री अक्षांश पर औसत हम मान कर चलें तो हम कहते हैं कि ये 760 मिलीमीटर 76 सेंटीमीटर 29.9 इंच या 1013 मिली बार हम इसको बोलते हैं कि इस वायु दबाव को इन अलग अलग टर्म्स के अंदर नापा जाता है। ये नापने के लिए हमारे पास अलग अलग उपकरण हैं, अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले 14 महोदय ने ये पारे का बैरोमीटर बनाया जो आपके हमारे यहाँ लैब्स के अंदर हमें दिख जाता है और जिससे हम वायु दबाव नापते हैं। ये 14 का बैरोमीटर है। उसके बाद हमारे पास ये एनीरॉयड बैरोमीटर है, लुशियन विडाई महोदय ने बनाया और इसके अंदर मौसम की सूचनाएं भी हमें मिल जाती हैं। जैसे जैसे दबाव बनता है, किस तरह से वर्षा होने की, तूफान आने की, बदलाव की, अच्छे मौसम की सूचना भी ये हमें देता है। इसको हम एनीरॉयड आइए अगला जो महत्वपूर्ण यंत्र है इसको हम बैरोग्राफ कहते हैं। ये एक रोटेटिंग ड्रम है जो दिन की अवधि 24 घंटे में एक चक्र पूरा करता है। इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर लगा हुआ है जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर घंटे और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे वायु दाब के नापने की यूनिट्स बनी रहती हैं। इस तरफ ये वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जो पिन लगा हुआ है, इस पिन के आगे एक पेन लगा रहता है। जैसे जैसे ये रोटेटिंग ड्रम घूमता है वायु दबाव का चित्रण इसके ऊपर, रेखीय चित्र इस ग्राफ के ऊपर बन जाता है और हमारे पास 24 घंटे का वायु दाब का रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये डिजिटल बैरोमीटर है। ये डिजिटल बैरोमीटर हमारे घर में, हमारी लेबोरेटरी के अंदर, आमतौर पे हम कहीं भी किसी स्थान पर वायु दबाव को नाप सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरह तापमान नापने के लिए हमें मानक अवस्थाएं यूज करनी पड़ती हैं, मानक अवस्थाओं में तापमान नापा जाता है, वायु दबाव भी मानक अवस्थाओं के अंदर ही नापा जाता है। इन यंत्र को हम स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर रखकर ही वायु दबाव को नापते हैं ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान की या अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं कर सकें। उसके लिए ये हमारे पास मानक अवस्था होनी। अब हम समझते हैं इस पृथ्वी के ऊपर वायु दबाव को कैसे समझा जाना जा सकता है। तो यहाँ मैं कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली टर्म है समदाब रेखाएं। जैसे हमने समताप रेखाएं पढ़ी थी आइसोथर्म, इसी तरह से आइसोबार्स, वो रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये धरातल पर नहीं पाई जाती हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, एटलस के अंदर या अन्य मानचित्रों पर देखने को मिलती हैं, लेकिन भूतल पर ये लाइनें, रेखाएं हमें नहीं मिलती हैं और इनको हमने समुद्र तल के ऊपर समन्वित करना होता है। समन्वित करना इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इन समदाब रेखाओं को पढ़ सकें, समझ सकें। इन्हें हम मिली बार के रूप में अपने मानचित्रों पर, अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। ये रेखाओं से हम प्रेशर ग्रेडियंट, दाब की प्रवणता निकालते हैं। जब ये समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तब वायु दबाव तेजी से बदल रहा है और जब ये समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तब हम समझते हैं कि वायु दबाव धीरे धीरे बदल रहा है। आइए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ ये समदाब रेखाएं पास पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक है, जबकि यहाँ ये रेखाएं दूर दूर हैं तो दाब प्रवणता कम कही जाती है, ये दाब रेखा कम मानते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि लो एयर प्रेशर एंड हाई एयर प्रेशर, इससे क्या अर्थ है? लो एयर प्रेशर को हम
साइक्लोनिक कंडीशंस से जोड़ते हैं और हाई एयर प्रेशर को हम अच्छे स्वच्छ या खुले हुए मौसम के साथ जोड़ते हैं। ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। जब हमारा वायु दबाव औसत से सामान्य से कम हो, लो एयर प्रेशर, और जब सामान्य से अधिक हो तो हाई एयर प्रेशर कहते हैं। लो एयर प्रेशर वाली कंडीशंस को हम साइक्लोन और हाई एयर प्रेशर वाली कंडीशंस को हम एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात और चक्रवात के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि लो एयर प्रेशर या हाई एयर प्रेशर से क्या अर्थ है। जब कभी चक्रवात आता है तो इस तरह से केंद्र में न्यून वायु दबाव होता है और जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर जाते हैं ये समदाब रेखाएं 700 मिलीबार, 800 मिलीबार, 900 मिलीबार इनका बढ़ता जाता है। वायु दबाव केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि प्रति चक्रवात अवस्था में केंद्र में उच्च वायु दबाव रहता है और बाहर जो है वो कम वायु का दबाव रहता है। इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। जब हम चक्रवात पढ़ेंगे और इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि साइक्लोन्स, टाइफून्स हमारे लिए क्या है, किस स्थान पर आते हैं, वहाँ आपको ये समदाब रेखाएं और चक्रवात आने से पहले की सूचनाएं हम इन समदाब रेखाओं से समझते हैं, समदाब रेखाओं से जानते हैं। आइए अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी स्थान पर वायु दबाव कम कब होता है, अधिक कब होता है, कौन कौन से कारक वायु दबाव को प्रभावित करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि समस्त पृथ्वी के ऊपर दो तरह के मुख्य कारक हैं जो किसी भी स्थान के वायु दबाव को प्रभावित करते हैं। पहला कारक, इसको हम बोलते हैं तापीय कारक या थर्मल फैक्टर हम इसको बोल देते हैं, और दूसरा कारक हम कहते हैं पृथ्वी की गतिक के कारण, गतिक कारक या डायनेमिक फैक्टर्स इसका हम नाम इसको हम दे देते हैं। पहला कारक है इस पृथ्वी के ऊपर तापमान से जुड़ा हुआ है। जहां इस पृथ्वी पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने से क्या होगा कि हमारी वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होने से वायु फैल जाएगी, उसका घनत्व कम हो जाएगा तो वायु ऊपर उठ जाएगी, वायु का दबाव कम हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं हीटिंग ऑफ द एयर लीड्स टू एक्सपेंशन, डिक्रीज इन डेंसिटी एंड देन लो एयर प्रेशर, जबकि हाई एयर प्रेशर में उल्टा होता है। तापमान कम होगा तो वायु सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने से उसका घनत्व बढ़ जाता है तो वो नीचे की तरफ बैठती है, उच्च वायु दबाव हो जाता है। ये तापमान एक कारक है, लेकिन एक और कारक है, इसको हम बोलते हैं गतिक कारक। हमारी पृथ्वी बड़ी तेजी से अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। इस पृथ्वी की गति के कारण, अब इस गति का प्रभाव क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पृथ्वी के ऊपर घूमने के कारण दो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल, ये जो लग रहा है ये इस पृथ्वी के ऊपर वायु दबाव को प्रभावित करता है। अभी जब आप इस फैक्टर को देखेंगे आप पाएंगे कि पृथ्वी की गति का प्रभाव भूमध्य रेखा पर क्या है, वायु दबाव पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसे ही ध्रुवों के ऊपर भी इस पृथ्वी की गति का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति अधिकतम, उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अधिकतम होता है। ध्रुवों के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम होता है, इसलिए वहां पर वायु दबाव का फर्क रहता है। ध्रुवों पर वायु दबाव अधिक और भूमध्य रेखा पर वायु दबाव कम, एक डायनेमिक फैक्टर भी इसके अंदर कार्य करता है। और एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं कि पवनों का संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठना और उसके बाद ठंडा होकर नीचे उतरना, ये पवनों की संवहनीय धाराओं के कारण या इस पवनों का ऊपर उठना व नीचे उतरना, ये दो फैक्टर भी इस पृथ्वी के ऊपर वायु दबाव पेटियों को प्रभावित करते हैं।
कौन कौन से कारक हैं, आइए हम इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर वायु दबाव को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायु दबाव कम होता जाता है। टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू एयर प्रेशर, ये पहला है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु दबाव कम हो जाएगा। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं जब मई और जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है तो हवा नहीं चलती, हम कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऐसी स्थिति होती है, तब हम कहते हैं लो एयर प्रेशर है, तापमान अधिक है। दूसरी तरफ अगर हवा में नमी की मात्रा अधिक है या कम है, यानी कि ड्राई एयर और वेट एयर, सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है क्योंकि जलवाष्प हल्का होता है तो वायु दबाव कम हो जाता है। यानी जहां अधिक जलवाष्प होंगे वायु का दबाव कम होगा। और तीसरा फैक्टर है हाइट अबव सी लेवल। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचा जाएंगे वायु का दबाव कम होता जाता है। ये वायु का दबाव इसलिए कम होता जा रहा है कि वायु का घनत्व, समुद्र तल के पास वायु का घनत्व बहुत अधिक है, और जैसे जैसे हम ऊंचे उठते जाते हैं वायु का घनत्व कम होता जाता है तो वायु का दबाव भी कम होता जाता है। या हम इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि समुद्र तल के ऊपर अगर 76 सेंटीमीटर नॉर्मल प्रेशर है, सामान्य वायु दबाव है, या 1013.25 मिलीबार ये औसत सामान्य वायु दबाव है, तो जैसे जैसे आप ऊंचा जा रहे हैं समुद्र तल से ऊंचा जा रहे हैं 4000 मीटर जाने पर ये 46.25, लेकिन इधर देखिए 616.6 मिलीबार कम हो जाता है। 10000 मीटर जाने पर ये और कम हो जाता है। 30000 मीटर जाने पर ये 1 मिलीबार से भी कम रह जाता है, और 60000 मीटर जाने पर वायु विरल हो जाती है, बहुत कम वायु का घनत्व हो जाता है, तो वायु दबाव भी बहुत कम हो जाता है। ये ऊंचाई के साथ साथ वायु दबाव इस तरह से बदलता जाता है, हम इसको देख सकते हैं। आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। इस लाल रेखा से हमने वायु दबाव का वितरण दिखाया है कि किस तरह से ऊंचाई के साथ वायु दबाव बदल रहा है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये वायु दबाव है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने हाइट अबव सी लेवल दिखाई हुई है। देखिए ये 1013 मिलीबार औसत सी लेवल पर, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 5.5 किलोमीटर पर पहुँच रहे हैं, 5500 मीटर पर आ रहे हैं, वायु का दबाव आधा रह जाता है, और ऐसे ही ऊपर जाते हुए ये वायु का दबाव निरंतर कम होता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90% वायु का दबाव जो है उससे कम रह जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये 32 किलोमीटर पर जाते हुए 1% रह जाता है, और फिर और अधिक कम हो जाता है। यानी वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु का दबाव भी धीरे धीरे कम होता जाता है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। एक और कारक जो वायु के दबाव को प्रभावित करता है वो है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों और भूमध्य रेखा की त्रिज्या के अंदर अंतर है। यहां से आप देख सकते हैं कि पोलर रेडियस 6357 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा पर ये 6379 किलोमीटर कही जाती है। पृथ्वी थोड़ी सी अपनी भूमध्य रेखा पर बाहर निकली हुई है, जबकि हमारे ध्रुव थोड़े से पिचके हुए हैं। इसके कारण भी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कम है, ध्रुवों पर रेडियस ऑफ द अर्थ कम है, यहाँ वायु दबाव अधिक होगा और यहाँ वायु दबाव कम होगा। रेडियस ऑफ अर्थ का सेंटर से कितनी दूरी पर है ये भी प्रभाव है। और एक और प्रभाव जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि भूमध्य रेखा पर इस पृथ्वी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक है, वो कितना अधिक है हम यहाँ से देख सकते हैं। इस डायग्राम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि भूमध्य रेखा पर सबसे पहले हम ये
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ निकालने के लिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, तो 2 पाई आर से हम निकाल सकते हैं कि पृथ्वी की सरकमफ्रेंस क्या है, उसको 24 घंटे से डिवाइड दे दी कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भूमध्य रेखा पर है, लेकिन ये कॉस थीटा से बदल रही है। देखिए यहाँ भूमध्य रेखा पर इतनी अधिक हमारी वेलोसिटी है, लेटिट्यूड ऑफ द अर्थ एंड देन स्पीड ऑफ द अर्थ। देखिए 1600 यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर है उस ऑब्जेक्ट की गति 1670 और ये ध्रुवों तक जाते जाते जीरो हो जाती है। इस ग्राफ से या इस बार डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर दैनिक गति के कारण यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वस्तुओं को इस पृथ्वी से बाहर फेंकने की, दूर फेंकने की क्षमता यहाँ अधिक है, स्पीड अधिक होने के कारण, और यहाँ ये स्पीड बहुत कम है। यानी कि तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, जलवाष्प, ध्रुव और भूमध्य रेखा की रेडियस का अंतर, और पांचवा फैक्टर इस पृथ्वी की घूर्णन गति या रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके प्रभाव से वायु दबाव पर क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ से इस चित्र से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अभी ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर